हेलो एवरी वन गाइज़ कैसे हैं आप सभी होपफुली आर डूइंग वेल सो वेल्थ आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है आप सभी जानते हो गए बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस या कोई भी अकाउंट्स ठीक है जिसमें एक कंप्लीट ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड की गई हो ऑफ पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग की उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट हो जाता है देखिए इसके काफ़ी सारे पर्पस है जिसमें से मेन पर्पस है इन्वेस्टिंग पर्पस और लैंडिंग पर्पस ठीक है क्रेडिटर इन्वेस्टर मैनेजमेंट ठीक है उस कंपनी का मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट भी के लिए भी इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना तो जानेंगे इन सभी डील्स uh, के बारे में सो so, अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ओवरव्यू की तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इन्वॉल्व गेनिंग गेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल सिचुएशन बाय रिव्यूइंग इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट द रिजल्ट कैन बी यूज टू मेक इन्वेस्टमेंट एंड लैंडिंग डिसीजन दिस रिव्यू इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द फॉलोइंग आइटम्स

थर्टी फर्स्ट मार्च ठीक है तो आप कह सकते हैं कि एक रिपोर्टिंग पीरियड अगर ईयरली बेसिस पे है तो वो क्या होगा आपका फर्स्ट अप्रैल से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च तक हो सकता है ठीक है तो क्या यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है और मेनली फॉर द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लैंडिंग पार्ट ऑफ दैट इसके अदर भी आपके यूजेस है फ्यूचर कैश फ्लो प्रेडिक्ट की जा सकती है ठीक है वो हम आगे देखेंगे कि कैसे कैश फ्लो को प्रेडिक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है सो so, यहाँ पर दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एक है तो ट्रेंड्स ठीक है ट्रेंड्स क्या होते हैं कि तो ये एक होते हैं आपके ट्रेंड लाइन फॉर अ की आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर मल्टीपल टाइम पीरियड टू सी हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग टिपिकल ट्रेंड लाइन आर रेवेन्यू ग्रोथ मार्जन नेट प्रॉफिट कैश अकाउंट रिसिवेबल एंड डेट देखिए ट्रेंड क्या चल रहा है कंपनी का ट्रेंड यानी कि ओवर ए पीरियड लास्ट ईयर और लास्ट से लास्ट ईयर क्या ट्रेंड चल रहा था क्या उसका रेवेन्यू क्या आ रहा है ग्रोथ मार्जन क्या आ रहा है ग्रोथ मार्जिन क्या होता है आपका ग्रोस मार्जिन होता है आपका नेट रेवेन्यू माइनस गुड्स यू नो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड ठीक है ये होता है आपका ग्रोस मार्जिन ठीक है नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है ठीक है अकाउंट रिसीवेबल कितना है और डेट कितना है ठीक है डेट टू इक्विटी रेशो ये सब कुछ आपके इसमें आ जाए तो ये ट्रेंड देखा जाता है किसी भी कंपनी का ट्रेंड देखा जाता है अगर आप बीइंग ए इन्वेस्टर अगर आप कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर देखेंगे कि पीरियड ऑफ कि सम लास्ट पीरियड्स में या मल्टीपल पीरियड्स में उसका रेवेन्यू क्या रहा ग्रोथ मार्जिन क्या रहा नेट प्रॉफ़िट क्या रहा अकाउंट्स रिसीवेबल कितने रहे कितना डेट है कितनी इक्विटीज है डिपेंचर्स आप देखेंगे डिविडेंड कितना दिया है रिटेन अर्निंग कितनी है ये सब ट्रेंड आप देखेंगे देन आ जाता है परपोशन एनालिसिस परपोशन एनालिसिस परपोशन एनालिसिस में जनरली हम जो है काफ़ी सारे Uh, uh, यहाँ पर फॉर्मूलेस की बात करते हैं काफ़ी सारे फॉर्मूलेस देखते हैं जैसे डेट टू इक्विटी रेशो लिक्विडिटी रेशोज़ क्विक रेशोस ठीक है तो डिफरेंट डिफरेंट uh, यहाँ पर प्रोपोर्शंस का यूज़ किया जाता है तो एनालिसिस की कंपनी की ग्रोथ क्या है और उसका टर्न ओवर हो गया जैसे आपका लिक्विडिटी रेशोज हो गया तो ये रेशोज़ होते हैं जो अवेलेबल फॉर डिस्क्रीनिंग द रिलेशन बिटवीन द साइज ऑफ वेरियस अकाउंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल यू कैन कैलकुलेट ए कंपनी क्विक रेशो क्विक रेशो क्या होता, होता है लिक्विडिटी रेशो होता है यानी कि कंपनी के पास कितने कैश फंड्स अवेलेबल है टू इमीडिएट लाइविलिटीज के लिए ठीक है और इट्स डेट टू इक्विटी रेशो हो गया आपका मतलब कितना डेट है कितना इक्विटी है आप जानते ही हैं कि डेट जो है वो चीपर सोर्स ऑफ फंड है और इक्विटी जो है वो एक्सपेंसिस है ठीक है इट्स हैव टेकन ऑन टू मच डेट दिस एनालिसिस आर फ्रिक्वेंटली बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसिस ऑन द इनकम स्टेटमेंट तो ट्रेंड में क्या है ट्रेंड में देखते हैं हम रिवेन्यू ग्रोस मार्जिन, नेट प्रॉफिट कैश ये अकाउंट डिसबल ये किस में देखते हैं ये ट्रेंड और प्रपोर्शन में क्या होते हैं रेशियोज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड के रेशियोज को एनालिसिस किया जाता है ठीक है होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा यूजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके इसके यूजर्स हो क्रेडिट इसका यूजेस है इन्वेस्टर मैनेजमेंट एंड रेगुलर अथॉरिटीज लाइक ए सी बी ठीक है सी बी सी बी भी आपका इसके स्टेटमेंट uh, को एनालिसिस करती है ठीक है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यू नो टैक्स का टैक्स रिविजन तो नहीं किया गया है ठीक है तो ये सारे जो हैं इसके यूजर्स हैं आपके देन मेथड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तो मेनली दे आर टू मैथड ऑफ एनालिसिस एक है और एक है आपका वर्टिकल एनालिसिस ठीक है अब ये टू जो मेथड है इसमें होरिजोनटल एनालिसिस इज अंपेरिजन कंपेरिजन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओवर ए सीरीज ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं किसी कंपनी के फाइव लास्ट फाइव ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है तो आप उन फाइव ईयर के जो फाइनेंशियल स्टेट्समैन है उन्हें आप एनालिसिस करेंगे ठीक है तो हिस्टोरिकल डाटा यहाँ पर लिया जाता है हिस्टोरिकल डाटा वो आपका ईयरली बेसिस पे हो सकता है uh, आपका क्वार्टरली बेसिस पे हो सकता है मंथ बेसिस पे हो सकता है ठीक है रिपोर्टिंग पीरियड्स का और ऑफ द रेशियो डिराइव्ड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन इट यूज टू सी इफ एनी नंबर आर अनयूजअली हाई और लो इन कंपेरिजन टू द टू द इंफॉर्मेश फॉर ब्रैकेटिंग पीरियड विच मे दैन ट्रिगर ए डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रीजन फॉर द डिफरेंस इट ऑल्सो बी यूज टू प्रोजेक्ट द अमाउंट ऑफ वेरियस लाइन आइटम्स इन इन टू द फ्यूचर देखिये होरिजोनटल एनालिसिस में हिस्टोरिकल डाटा लिया जाता है देन कई काफी सारे रेशोस को जो एनालिसिस किया जाता है क्या क्यों हाई और क्यों लो रहा सपोज टर्न ओवर है ठीक है तो टर्न ओवर कितना रहा है लास्ट फाइव इयर्स में हाई कब गया लो कब गया ये सब कुछ एनालिसिस किया जाता है अपार्ट ऑफ दैट आपका div, उसके डिफरेंसेस यहाँ पर और रीजन यहाँ पर फाइंड आउट किए जाते हैं और उसे यूज़ किया जाता है ऑल्सो टू प्रोजेक्ट द अमाउंट ऑफ वेरियस लाइन आइटम इन द फ्यूचर यानी कि अगर आप पिछले पाँच ईयर के टर्न देखेंगे तो यू कैन प्रिडिक्ट ठीक है कि नेक्स्ट ईयर क्या टर्न रह सकता है तो ये इट्स ऑल्सो हेल्प टू टू फाइंड आउट द ऑफ़ नेक्स्ट ईयर एस वेल या टर्न ओवर हो गया या आपका डिविडेंड uh, अगर फाइंड आउट करें कि क्या डिविडेंड रह सकता है या क्या प्रॉफिट रह सकता है क्या नेट रेवेन्यू रह सकता है तो ये सब कुछ फाइंड आउट करने में ये हेल्प करता है तो आपको एनालिसिस के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा मेनली याद रखे कि रखे ए हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ठीक है वर्टिकल एनालिसिस अब वर्टिकल एनालिसिस में क्या होता है वर्टिकल एनालिसिस इज प्रोपोर्शनल एनालिसिस प्रोपोर्शनल एनालिसिस है ये आपका प्रोपोर्शंस होते हैं इसमें ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर ईच लाइन आइटम सब लाइन आइटम जो हैं लाइन आइटम मैंने अभी आपको ट्रेंड में बताया था जैसे आपके रेवेन्यूज ग्रोस मार्जिन ठीक है ये सब आपका अकाउंट रिसेबल ये सब क्या हो गया लाइन आइटम ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लिस्टेड एज ए परसेंटेज ऑफ अनदर आइटम परसेंटेज ऑफ अनदर आइटम ये याद रखिए ठीक है

Uh, जो हैं वो एनालिसिस करते हैं अभी मैं आपको आगे यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे परसेंटेज के बेसिस पे ये एनालिसिस किया जाता है द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ वर्टिकल एनालिसिस विद इन ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सिंगल रिपोर्टिंग पीरियड सो दैट वन कैन सी द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ अकाउंट बैलेंस अब यहाँ पर याद रखें कि हिस्टोरिकल में तो यू नो वेरियस रिपोर्टिंग पीरियड लिए जाते हैं उनका डाटा लिया जाता है बट यहाँ पर रिलेटिव प्रपोर्सन जो लिया जाता है वो सिंगल रिपोर्टिंग पीरियड का या कि, किसी फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टरली का उसे एनालिसिस किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट प्रपोर्शनस को यहाँ से एनालिसिस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज ठीक है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट रेशोस uh, को यहां पर एक तरीके से एनालिसिस किया जाता है इन परसेंटेज फॉर्म ठीक है ये याद रखें कि यहां पर जो किया जाता है वो आपका परसेंटेज फॉर्म में ही किया जाता है वो आपकी उसमें आपकी ग्रोथ सेल्स भी आपकी इंक्लूड हो जाती है ठीक है तो परसेंटेज में कैसे किया जाता है यहां पर आप देख लीजिए जैसे सेल्स हुई ठीक है सेल्स है आपकी ठीक है टेन लैक डॉलर्स की ये सेल्स है ठीक है तो इसे हम परसेंटेज में लिखेंगे हंड्रेड परसेंट अब सेल्स में से फोर्टी परसेंट थे द कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल मतलब जो गुड्स को सेल किया गया है उसकी जो कीमत थी वो फोर्टी परसेंट तो ये ये है आपका वर्टिकल तो हर चीज़ परसेंटेज में ही यहाँ पर मेंशन की जाएंगी ठीक है उसमें से ग्रोस मार्जिन सेल्स माइनस कोस्ट ऑफ़ गुड्स होल्ड तो उसमें से गोड जो मार्जिन निकला वो सिक्सटी परसेंट निकला ठीक है तो हम कह सकते हैं द सिक्सटी परसेंट इज अ ग्रोस मार्जिन फोर्टी परसेंट तो एंड देन आपका फोर्टी परसेंट क्या हो गया कोस्ट ऑफ़ गुड्स सेल्स हो गया मतलब एक्सपेंडिचर्स हो गया ठीक है इसके अलावा इसमें सैलरीज एंड वेजिस थे ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है इसका अमाउंट यहाँ पर है ऑफिस रेंट थे फाइव परसेंट सप्लाईज़ वन परसेंट यूटिलिटीज़ टू परसेंट अदर एक्सपेंसेस नाइन परसेंट मतलब एवरी थिंग यहाँ पर जो मेंशन की गई है वो आपकी की गई है इन परसेंटेज कि हंड्रेड परसेंट सेल्स हुई जिसमें से फोर्टी परसेंट जो था अमाउंट उसकी वो अमाउंट ये था ठीक है वो थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो सिक्सटी परसेंट क्या हो गया आपका ग्रोथ मार्जिन ओके गया मतलब एवरीथिंग इज मैंशन इन परसेंटेज तो ये दो जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप याद रखें कि हिस्टोरिकल में हिस्टोरिकल डाटा लिया जाता है और आपकी वर्टिकल में एवरी एवरी कोस्ट जो एवरी कोस्ट एवरी सील्स एवरी ट्रेंड को यहाँ पर जो है वो परसेंटेज फॉर्म में मैंशन किया जाता है तो होपफुली आपको ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा अब काफी सारे जो रेशोस आ जाते हैं रेशोस काफी इम्पोर्टेंट हैं डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इवन हर बार रेशो से क्वेश्चन आते ही आते हैं आपको मैचिंग में पूछ लिए गए काफी सारे रेशोस पूछ लिए गए या किसी का भी रेशोस पूछ लिए गए तो काफी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर क्या फॉर्मूलेस हैं वो भी एक बार आप कंसिडर कर लीजिएगा मैं कुछ मेन इम्पोर्टेंट रेशोस मैं आपको बता देता हूँ लिक्विडिटी रेशो तो ये फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है टू सी द रेशो बिकॉज दे मेजर द एबिलिटी ऑफ कंपनी टू रिमेन इन बिजनेस यानी कि पे ऑफ डेट इमीडिएटली डेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर इमीडिएटली लाइबिलिटीज़ की यहाँ पर बात कर रहे हैं इमीडिएटली एक्सपेंसिस की ठीक है तो कैश कवरेज रेशोज आ जाता है करंट रेशो क्विक रेशो लिक्विडिटी इंडेक्स तो ये सब कुछ लिक्विडिटी रेशोज आ जाता है एक्टिविटी रेशोज यानी कि हाउ द कंपनी और मैनेजमेंट यूटिलाइज द कंपनी रिसोर्सेज ठीक है एक्टिविटी रेशोज में आपके कंपनी पेबल टर्न ओवर रेशो रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो फिक्स एसिस टर्न ओवर रेशो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो सेल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल रेशोज ठीक है ये सब कुछ आ जाता है और ये आपको बाय फॉर्मूल याद होने चाहिए इन्हें जरूर आप एक बार रिव्यू कीजिएगा रिवर्स कीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम परस्पेक्टिव से काफी इम्पोर्टेंट है ठीक है देन लीवरेज रेशोज आ जाते लीवरेज रेशोज क्या होते हैं दिस रेशोज रिवील द एक्सटेंट टू विच कंपनी इज रिल अपॉन डेट टू फंड इट्स ऑपरेशन एंड एबिलिटी टू पे बैक द डेट तो डेट को एनालिसिस किया जाता है कि uh, कि अगर कंपनी रिले कर रही है डेट पे डेट फंड उसकी ज़्यादा है तो वो क्या एबिलिटी है उसकी डेट फंड को पे करने की या नहीं है क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में पे किया जाता है डेट होल्डर पहले आते हैं तो डेट टू इक्विटी रेशो देखा जाता है डेट सर्विस कवरेज रेशो देखा जाता है एंड फिक्स चार्ज uh, कवरेज यहाँ पर देखा जाता है आप इनको राइट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप कोई नोट्स बना रहे हैं तो उसमें ज़रूर राइट डाउन कर लीजिएगा और रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा इन्हें जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ उससे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस में यानी कि मेजर किया जाता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है इन जनरेटिंग द प्रॉफिट तो ब्रेक इवन पॉइंट्स पहले आ जाता है ब्रेक इवन पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो ग्रोथ प्रॉफिट रेशो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू कैलकुलेट अमाउंट बाय विच सेल मस्ट ड्रॉप बिफोर ए कंपनी रीच इट्स ब्रेक इवन पॉइंट तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी काफ़ी बार आ जाता है तो ये ये अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है सेल मस्ट ड्रॉप ऑफ बिफोर ए कंपनी के ब्रेक इवन पॉइंट्स नेट प्रॉफिट रेशो रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन नेट एसेट रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग एसेट्स ये सारे ही रेशोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब हम बात करते हैं कैश फ्लो की एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो प्रिडिक्शन ऑफ कैश फ्लो ठीक है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो शो हाउ ए कंपनी स्पेंड इट्स मनी कैश आउट फ्लो फ्रॉम वेयर ए कंपनी रिसीव इट्स कैश इन फ्लो तो ये तो आप जानते हैं ये कैश आउट फ्लो मतलब स्पेंड करता ठीक है पैसा जा रहा है और कैश इनफ्लो यानी कि जो कंपनी रिसीव करती है प्रॉफिट्स सेल्स ठीक है अमाउंट वो आपका कैश इनफ्लो द कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड ऑल कैश इनफ्लो कंपनी रिसीव फ्रॉम इट्स ऑन गोइंग ऑपरेशन एंड एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट सोर्सेज एज वेल एज़ कैश आउटफ्लो दैट पे फॉर बिजनेस एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग ए गिविंग क्वार्टर तो कैश इनफ्लो में वो सारी कंपनी रिसीव करती है ऑपरेटिंग ऑपरेशन uh, से ठीक है जो ऑन गोइंग ऑपरेशन होते हैं एंड एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स है वो सब कुछ आपका कैश कैश इनफ्लो में आपका आ जाता हो कैश आउटफ्लो में वो सब कुछ जो कि पे किया जाता है इन इन फो बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए डूइंग यहाँ uh, पे एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग ए गिवन क्वार्टर किसी गिवन क्वार्टर में ओके okay. तो की पॉइंट क्या है पहले हम थोड़ा की पॉइंट देख लेते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो डिपिक्ट वेयर ए कंपनी रिसीव इट्स मनी फॉर्म एंड हाउ इट स्पेंड इट मनी ओके द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट आर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कैश फ्लो फॉर्म इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फॉर्म फाइनेंसिंग ये तीनों चीज़ें हम देखेंगे अलग अलग होती है कैश जो कि ऑपरेशन से आया कैश जो कि इन्वेस्टिंग से आया कैश जो कि फाइनेंसिंग से आया ये तीनों डिफरेंस आपको पता होने चाहिए इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे द टू डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड इज़ अप्रूवल अकाउंटिंग एंड कैश अकाउंटिंग इसके बारे में भी आगे हम आप अभी डिस्कस करेंगे तो डिटरमाइंस हाउ ए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रजेंटेट दो मेथड होते हैं ठीक है कंपनी कैश फ्लो कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर दैट अपीयर इन कैश फ्लो स्टेटमेंट एज नेट कैश प्रोवाइडेड बाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो कंपनी का कैश फ्लो जो होता है वो डिफाइंड एज द नंबर दैट अपीयर इन कैश फ्लो स्टेटमेंट एज नैट कैश प्रोवाइडेड बाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इम्पोर्टेंट इंडिकेटर इन कैश फ्लो एनालिसिस इंक्लूड द ऑपरेशन नेट सेल्स रेशो फ्री कैश फ्लो इनके बारे में भी हम बात करेंगे एंड कॉम्प्रिहेंसन फ्री फ्री कैश फ्लो कवरेज ठीक है तो इन सभी ये की पॉइंट्स है ये आपको याद रखने चाहिए ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर की पॉइंट्स हो और आगे हम इसे डिस्कस करेंगे तो वाई द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट ठीक है सो दे आर टू फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग दैट हाउ कैश मूव कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे आर एक अकाउंटिंग एंड कैश अकाउंटिंग ये आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा ठीक है अक्रूवल अकाउंटिंग क्या होती है ये एक ऐसा मैथड रहता है जिसमें जो आपका रेवेन्यू है वो रिपोर्ट किया जाता है एस कम व इट्स अन रेदर देन वैन द कंपनी रिसीव पेमेंट फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारे स्टडी नोट्स लेते हैं ठीक है तो आप जो स्टडी नोट्स लेते हैं उसका पेमेंट आप अभी नहीं करते एक महीने के बाद करते हैं बट अगर हम अप्रूवल अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं ये प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो हम एज ए इनकम अर्न उसे दिखाएंगे भले से ही हमें पेमेंट एक महीने के बाद मिलेगा यानी कि हम वहाँ पर मैंशन्स करेंगे अपने अकाउंट में दैट ये जो सेल्स है ये सपोज आज के दिन आपकी हुई है ठीक है तो आज के दिन हम उसे मेंशन यहाँ पर एज अ इनकम करेंगे एज ए रेवेन्यूज यहाँ पर हम करेंगे बट उसका पेमेंट हमें लेट भी मिल सकता है उसका पेमेंट हमें एक महीने दो महीने कभी भी मिल सकता है ठीक है तो एक्सपेंसेस आर रिपोर्टेड व्हेन इनकर्ड इवन दो नो कैश पेमेंट हैव बीन मेड ठीक है एक्सपेंसेस और इवन एक्सपेंसेस भी जब भी ही यहां पर रिपोर्ट किए जाते हैं जब वो इनकर्ड हो अगर आज एक्सपेंसेस हो सपोज लाइक फॉर एग्जांपल कि सपोज कोई एडवर्टाइजमेंट्स हैं ठीक है थेके? हम एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं तो हमें उसका पेमेंट बाद में देना बट जिस दिन से हमने स्टार्ट किया है एडवर्टाइजमेंट हमने उसी दिन से उसे एक्सपेंसेस मान लिया है ठीक है ठीक है इवन नो कैश भले से हमने पेमेंट नहीं करी है बट हमने उसी दिन से एक्सपेंसेस उसे मान लिया ठीक है बट कैश अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता ठीक है कैश अकाउंटिंग मैथड इन विच पेमेंट रिसीव्ड आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द पीरियड दे आर रिसीव्ड एंड एक्सपेंसिस आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे आर पेड यानि कि जब रेवेन्यू जब आपने हमें पेड कर दिया तो जब भी हम उसे रेवेन्यू मानेंगे एंड अदरवाइज़ हम उस रेवेन्यू नहीं मानेंगे अगर आपने हमारे स्टडी नोट्स खरीदे ठीक है और पे कर दिया तो जब भी वो रेवेन्यू एंड अदरवाइज नहीं ये कोई एक्सपेंसिस जिसके लिए हमने पे कर दिया वो जब भी एक्सपेंसिस है आ, हमारे लिए जब हमने उसे पेड कर दिया वो आपका कैश अकाउंटिंग में होता है तो अप्रूवल अकाउंटिंग एंड कैश अकाउंटिंग आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर uh, हो गए होंगे इसी के बेसिस पे जो है ना कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो का पता चलता है ठीक है इवन एक्रूवल अकाउंटिंग में क्लियरली uh, पता नहीं चलता कैश इनफ्लो आउटफ्लो का क्योंकि यहाँ पर मेन टाइम पे जो है वो पे नहीं किया जाता तो द बेस्ट मेथड इज अ कैश अकाउंटिंग ठीक है जिसमें कि कैश इनफ्लो एंड आउट फ्लो का एक्यूरेट पता चल जाता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हैज थ्री डिस्टिंक्ट सेक्शन ईच विच रिलेट टू पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑपरेशन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग वो हम अभी आगे बात करेंगे ठीक है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ठीक है ये थ्री मेन कंपोनेंट है सेक्शन है याद रखिएगा ऑपरेशन कैश फ्रॉम ऑपरेशन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग तीनों अलग अलग है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन तो दिस सेक्शन रिपोर्ट द अमाउंट ऑफ कैश फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट दैट वॉज ओरिजिनली रिपोर्टेड ऑन बेसिस अप्रूवल फ्यू ऑफ़ द आइटम इंक्लूड इन दिस सेक्शन आर अकाउंट रिसिवेबल अकाउंट पेबल एंड इनकम टैक्स पेबल तो कैश फ्लो फॉम ऑपरेशन तो जनरली जो कैश फ्लो फॉम ऑपरेशन होता है वो आपका रिकॉर्डेड uh, किया जाता है ऑन एक्ल बेसिस पर रिकॉर्डेड किया जाता है ए फ्यू ऑफ आइटम जो इंक्लूड रहते हैं अकाउंट रिसिवेबल अकाउंट पेबल इनकम टैक्स पेबल देखिए जनरली क्या होती है ट्रेड ऑन क्रेडिट होती है ठीक है तो पेमेंट लेट ही आता है उसका तो वो एक्रूरल ही बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है ठीक है ओके अकाउंट रिसिवेबल हो गए टैक्स पेबेबल हो गए टैक्स असिस्मेंट ईयर में आपका पे किया जाता है तो ये भी आपका अप्रूवल बेसिस पे ही होता है कैश फ्लो फॉर्म इन्वेस्टिंग अब कैश फ्लो फॉर्म जो कि इन्वेस्ट किया जाता है ठीक है ऑपरेशन से तो आप समझते हैं कैश फॉर्म ऑपरेशन यानी कि सपोज अगर आप कोई पैन बना रहे हैं उसे सेल्स करने से या उसके ऑपरे उसे बनाने के बाद सेल करने से जो पैसा आता है उसे हम कैश फॉर्म ऑपरेशन कहते हैं कैश फॉर्म इन्वेस्टिंग दिस सेक्शन रिकॉर्ड द कैश फ्लो फॉर्म सेल्स एंड परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप याद रखिएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाइक फिक्स्ड फर्नीचर बिल्डिंग न्यू मशीनरी फॉर योर कंपनी यू आर इन्वेस्टिंग ठीक है ये आपका फिक्स कैपिटल हो गया ठीक है ये फिक्स कैपिटल हो गया आपका ठीक है तो इसमें फिक्स एसेट्स प्रॉपर्टी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस में आता है आपका कैश कैश फ्लो फॉर्म इन्वेस्टिंग से मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है कैश फ्लो फॉम फाइनेंसिंग तो डेट एंड इक्विटी ट्रांजेक्शन आर रिपोर्टेड इन दिस सेक्शन एनी कैश फ्लो दैट इंक्लूड पेमेंट ऑफ डिविडेंट रीपरचेज ऑफ सेल्स ऑफ स्टॉक्स सेल्स ऑफ स्टॉक्स अब अगर रिपर्चेस किया गया है यू नो आपका री री परचेज शेयर्स होते हैं एंड बोन वुड बी कंसिडर कैश फ्लो फ्राम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैश रिसीव फ्राम टेकिंग आउट ए लोन और कैश यूज टू पे डाउन ए लॉन्ग टर्म डेट वुड बी रिकॉर्डेड इन सेक्शन तो कैश फॉर्म फाइनेंसिंग से क्या हो गया डेट एंड इक्वटी ट्रांजेक्शन्स हो गए ठीक है आपका जो डेट टू इक्विटी किया जाता है डिविडेंट इसमें आपके आ गए कुछ आपका किस में आ जाता है फाइनेंसिंग इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहते हैं ऑपरेशनल एक्टिविटीज में ये नहीं आएगा ये आपको क्लियर होना चाहिए ये आता है फाइनेंसिंग डिविडेंड पे करना स्टॉक्स uh, को uh, रिपर्चेज करना ठीक है इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट uh, करना ठीक है या इन्वेस्टमेंट्स करना ये सब कुछ आपका जो है वो आ जाता है ठीक है आपका डेट एंड इक्विटी ट्रांजेक्शन ये सब कुछ आपका आ जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ठीक है तो आपको यहाँ पर ये यह क्लियर हो गया होगा अबाउट द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर जो अभी मैंने कहा ना इन्वेस्टमेंट करना तो इन्वेस्टमेंट जनरली uh, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सपोज़ कोई इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी में इन इक्विटी में अगर वो इन्वेस्ट करता है या डेट में इन्वेस्ट करता है तो वो भी आपका फाइनेंसिंग में आ जाता है ठीक है अब ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइडेड बाई नेट सेल्स ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दिस रेशो विच एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ अ कंपनी नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू इट्स नेट सेल्स और रेवेन्यू

मतलब कितना और उसके जो ऑपरेशंस में है वो पैसा लगा है और डिवाइडेड कितनी सेल्स हुई है यानी कि कितने यहाँ पर जैसे हाउ मेनी डॉलर ऑफ कैश जो स्पेंड करने पड़ रहे टू जनरेट डॉलर ऑफ सेल्स ठीक है ओके तो okay. तो यानी कि कितने पैसे लगाने पड़ रहे हैं फॉर द पर्टिकुलर नेट सेल्स के लिए मतलब कितने पैसे लगाकर ठीक है या कितनी कॉस्ट ऑफ गुड्स आई है ठीक है और क्या नेट सेल्स हुई है हमारी देन हम जो है वो ग्रोथ मार्जिन या नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे दिस नो एग्जैक्ट परसेंटेज टू लुक फॉर बट द हायर द परसेंटेज द बेटर इट शुड बी जितनी हायर परसेंटेज होगी ठीक है वो उतनी ही बेटर होगी कोई एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं कि इतनी परसेंटेज हो के ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेट सेल्स फिफ्टी परसेंट हो तो बेटर रहता है या सिक्सटी परसेंट ऐसे नहीं रहती बट जितना हायर हो उतना ही ये बेटर रहती है ठीक है

है या नहीं है ग्रोथ मार्जिन क्या है ये सब कुछ आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो से पता चलता है फ्री कैश फ्लो इस पर काफ़ी बार आपका ये पूछा भी गया है आपके एग्जाम्स में तो फ्री कैश फ्लो इज ऑफन डिफाइंड एज द नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर ये याद रखिए तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो ठीक है माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ठीक है फ्री कैश फ्लो इज एन इम्पोर्टेंट मेजरमेंट सिंस इट शो हाउ इफिशियंट ए कंपनी इज एट जनरेटिंग कैश ठीक है जनरेटिंग ऑफ कैश कितना आसानी से वो इफिशेंटली ठीक है कैश को जनरेट कर रही है और ठीक है इन्वेस्टर यूज फ्री कैश फ्लो टू मेजर वेदर कंपनी माइट हैव इनफ कैश आफ्टर फंडिंग ऑपरेशन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स टू पे इन्वेस्टर थ्रू डिविडेंड एंड शेयर बाई बैक आफ्टर फंडिंग ऑपरेशन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर टू पे देखिए यहाँ पर फ्री कैश फ्लो में क्या आ जाता है जैसे आप इसका फॉर्मूला ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो ऑपरेशन में कैश फ्लो लगा माइनस ठीक है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि ऑपरेशन ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो है आपका उसमें से एक्सपेंडिचर्स हटा दीजिए जो एक्सपेंडिचर हटाने के बाद ही तो डिविडेंड बचेगा वो डिविडेंड जो रहेगा ठीक है डिविडेंड के बाद रिटेन अर्निंग बस्ती है ठीक है तो यहाँ पर चेक किया जाता है बाई इन्वेस्टर्स ठीक है कि कंपनी के खर्चे निकलने के बाद क्या उसकी एबिलिटी है टू पे फॉर इन्वेस्टर एज ए डिविडेंड या शेयर्स बाई करने की टू कैलकुलेट फ्री कैश फ्लो फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइंड द आइटम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ऑल्सो रेफर्ड एज ऑपरेटिंग कैश और नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड सब्ट्रैक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर द करेंट ऑपरेशन फॉर्मेट यानी कि ऑपरेटिंग कैश जो है या नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ठीक है एंड सब्ट्रैक्ट किया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को यानी कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो उसका कैश फ्लो आया है ठीक है या ऑपरेशन से जो कमाया है माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बाकी बचा ठीक है वो जाता है एज ए डिविडेंड ठीक है तो फ्री कैश फ्लो क्यों यूज किया जाता है तो टू एनालिसिस द

एंड कैश फ्लो एनालिसिस जो मेनली यहाँ पर जितने भी मैथड थे वो ऑलरेडी मैंने क्लियर कर लिए हैं तो होपफुली ये आप सबको क्लियर यहाँ पर हो गया होगा सो गाइज थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस सेशन